गोल्डन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खैरा। हमारे यहाँ एक साल और तीन महीने का कंप्यूटर कोर्स फ्री में करवाया जाता है। एडमिशन शुरू हो गई हैं, जल्द से जल्द संपर्क करें क्योंकि सीटें सीमित हैं। आज देहरा के डाडासिबा में पूर्व सिंचाई मंत्री रविंद्र रवि ने जन कल्याण मंच और एनजीओ कार्यालय का उद्घाटन किया और साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस भी मनाया। इस दौरान उन्होंने उनके जीवन पर भाषण भी दिया। साथ ही डाडासिबा युवा क्लब के द्वारा कराई जा रही क्रिकेट ट्रॉफी का शुभारम्भ भी किया। इस देश के किसी विदेश मंत्री ने यूएनओ में जाकर, जहाँ पूरे विश्व के 200 से ज्यादा देशों का संगठन है, जहां हर देश जाकर अपनी बात को वहां पर रख सकता है, वहां पहले बार किसी ने हिंदी में भाषण किया था तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार किया था 1970 में। ये बहुत सक्षम आ रहे हैं। आज हर कोई चाहता मैं हिंदी बोलूं, हिंदी पढ़ूं। कारण इसके पीछे यह कि क्योंकि साउथ इंडिया के प्रधानमंत्री बनने शुरू हो गए, वहां के जब बनते हैं तो उन्होंने देखा प्रधानमंत्री बनेगा तभी भाई हिंदी आती होगी तो बनेगा प्रधानमंत्री, वरना प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। तो आज इस देश में हिंदी को इस स्थान पर पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। जैसे बताया गया, मेरा सौभाग्य है कि मुझे कई बार उनका दर्शन करने का, उनका आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हालांकि पार्टी में आने से पहले ही मेरी उनसे मुलाकात हुई। जब मैं नौजवान था, जैसे सौरभ जी कह रहे हैं या हरी कृष्ण जी बैठे, मैं ऐसा था, मुझे लगता है मेरी उम्र उतनी थी 1970 में। तो जलंधर में वो आए, मैं जलंधर में था उस समय, बहुत बड़ी रैली इमरजेंसी के बाद जो 75 में एक इमरजेंसी लगी 19 महीने के लिए, और 19 महीने में इस देश में सब कुछ बंद कर दिया गया था। जो यहां पर बैठे हैं कई, उनको सभी को मालूम हुआ कि उस इमरजेंसी के दिनों में क्या हुआ। हमारे साथ भी घटना घटी, हालांकि इतनी उम्र थी मेरी, लेकिन घटना घटी थी। लेकिन इमरजेंसी के बाद जो रैलियां हुई पूरे देश में, अटल बिहारी वाजपेयी जी को मुख्य वक्ता के तौर पर जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण जी को एक प्रमुख वक्ता के तौर पूरे देश में मांग होने लगी थी। जलंधर आए तो मुझे भी शौक आया कि मैंने कहा इनके दर्शन करने। बहुत बड़ी भीड़ कंपनी बाग में, इतनी ज्यादा रैली आज तक मैं देख पाता हूं जलंधर में कभी इतनी बड़ी हुई हो। कंपनी बाग सारा भरा हुआ था। मेरी ललक थी उस समय, तो मोबाइल नहीं होते थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके समक्ष जाकर उनके साथ में जाकर सोच रहा था कि उनके नजदीक जाकर जितना नजदीक होंगे पहुंचना है। दौड़ लगाई हमने, वहां पहुंचने की कोशिश की, लाठियां खाई। उनका भाषण सुनने के बाद मन में यही है कि जिस पार्टी में अटल जी होंगे हम उस पार्टी में जाएंगे। और मुझे इस पार्टी में रहने का सबसे बड़ा, कोई मैं ये कह सकता हूं मैं अपना गुरु मानता हूं राजनीति में, तो अटल बिहारी वाजपेयी को मानता हूं, जिनका आशीर्वाद उस समय से रिश्ता चला हुआ। उसके बाद तो जब मैं पार्टी में आ गया, राजनीति में आ गया, एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गया, तो कई बार मुलाकात आया प्रधानमंत्री के तौर पर भी, मैं यहाँ मंत्री था तो भी, यहाँ पर विधायक रहे तो भी, उनके साथ कई बार मुलाकात हो रहा। लेकिन उनका एक बात करने का तरीका, छोटी से छोटी बात को समझना, ये कोई उनसे सीखे। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए देहरा से गुरुदेव राणा की रिपोर्ट।